नमस्ते दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मजे से होंगे। हम लोग भी खुश है, हेल्दी है और मजे से है। आज मैं ब्लॉग थोड़ा देर स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, काफ़ी गर्मी है और अभी तो दिन में रात में हर टाइम ही एसी चलाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि गर्मी घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है। और मैं अभी खाना पकाने के लिए चली जाऊँगी। इधर मम्मी अमायरा के साथ वक्त गुजार रही है और तुहिन के लिए एक स्वेटर बना रही है। यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। मैं आज प्रॉन बनाऊंगी। प्रॉन मेरे घर पे आता नहीं है क्योंकि तुहिन बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे और मम्मी को प्रॉन बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने पहले ही आलू छोटा छोटा करके पीस करके फ्राई करके रख दिया है और प्रॉन भी मैंने फ्राई करके रख दिया है हल्का सा। इसमें मैंने हल्दी मिर्च, लाल मिर्च और नमक मिलाया था प्रॉन में, और खड़े गरम मसाले जो होते हैं ना, दालचीनी, इलायची, सारा मैंने इसमें, तेज पत्ता, सारा इसमें पहले डाला है, फिर प्याज को फ्राई किया है। अब प्याज के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये सब देके मैं इसको बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। और थोड़ा ऑयल मैंने कम डाला है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ कि ये अच्छे से इसको ये मिक्स हो जाए। इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। मेरे पास छोटे टमाटर थे तो मैंने छोटे टमाटर ऐड किए हैं। आपके पास बड़े टमाटर होंगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, अगर कोई ये रेसिपी ट्राई करना चाहता है तो। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करके अगर मैं इसको ढक के रखूँ ना तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे टमाटर को थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। आलू ऐड करती हूँ मैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ कि आलू के चारों ओर इसका जो मसाले का जो कोटिंग है वो अच्छे से लग जाए। अब मैं फिर से ढक दूंगी क्योंकि आलू पूरा एकदम बॉयल नहीं हुआ था। मैंने जब फ्राई किया था थोड़ा कच्चापन उसमें था, तो अभी पकाते पकाते पूरा आलू पक जाएगा। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पका रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम ही कम ऑयल यूज़ करती हूँ, तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाती हूँ। अभी इसमें थोड़ा और मैं पानी ऐड करूँगी। अब इसको ढक के मैं थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख दूंगी आलू को। आलू फिर 100% पक जाएगा। और इस रेसिपी में ना आलू डालने से एक तो इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है और इसका जो टेस्ट है वो भी निखर के आता है। और इसमें से थोड़ा आलू निकाल के मैं अमायरा को भी खिलाऊंगी उसके राइस के साथ, तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसको मैं हर तरीके का टेस्ट मैं टेस्ट करवाती हूँ सारे खाने। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि प्रॉन में थोड़ा चीनी अच्छा लगता है, थोड़ा मीठापन, और इस चीनी से हर टेस्ट, जो नमक का टेस्ट है, फिर जो मिर्ची का टेस्ट है, वो बैलेंस होता है। और हरी मिर्ची मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मम्मी के लिए। मम्मी बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, मैं बिल्कुल तीखा नहीं खाती, और आजकल अमायरा को दे रही हूँ हमारा खाना, तो इसलिए मैं हमारे खाने में मिर्ची कम ही डालती हूँ। तो देखिए ग्रेवी बहुत ज़्यादा पानी पानी तरी वाला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ड्राई भी मैंने नहीं रखा है। ये ऑलमोस्ट हो गया है इसलिए मैं प्रॉन ऐड कर रही हूँ। प्रॉन ज़्यादा देर तक आग में नहीं रखते वरना वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो प्रॉन को पहले ही मैंने सौते कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मेरा रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा घी, एकदम थोड़ा सा चुटकी भर ऐड कर दूंगी, तो मेरा ये रेसिपी बनके रेडी है। और इसको मैं एंजॉय करूंगी राइस के साथ आज दोपहर को। बहुत दिनों बाद हम लोग प्रॉन खाएंगे। मेरी मम्मी का, मेरा और मेरी सिस्टर का फेवरेट है प्रॉन। शाम को हम लोग यूं ही टहलने के लिए निकले हैं। थोड़ा सा टहल लेंगे, कॉफ़ी वॉफी पी लेंगे। अभी 7:15 से 7:30 ऐसा कुछ बज रहा है, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया एक बारी में डिनर ही कर लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पियेंगे तो उसके साथ और कुछ ना कुछ खाएंगे भी तो पेट भर जाएगा, फिर एसिडिटी होगा, फिर डिनर में लेट होगा और मुझको डिनर पकाना भी पड़ेगा क्योंकि आज मैंने डिनर पकाया भी नहीं है।
तो ऐसे ही डिसाइड किया कि जाके कॉफी की जगह हम लोग डिनर ही कर लेते हैं। 7:30 ऑलमोस्ट बज चुका है, हम लोग रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। ये रहा टैंजरीन, टैंजरीन थाई रेस्टोरेंट है यहाँ पे ओतांतिक, ये टर्किश रेस्टोरेंट है, और भी सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट हम देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मेरे पति लग गए हैं फोन पे, वो भूल गया कि रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना है, कहीं पे बैठना है जाके। हाँ बैठ गए, हम लोग टर्किश वाला रेस्टोरेंट ही सिलेक्ट किए। टर्किश क्विजिन ना बहुत अच्छा होता है खाने में, एक तो सुपर टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि टर्किश लोग मेडिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड में मेडिटेरियन डाइट को सबसे हेल्दी डाइट बोला जाता है। और अमायरा को पता चल गया है कि अच्छा वाला खाना आएगा, तो वो एकदम बेसब्र होके रखी है कि कब आएगा, वो ऐसे आंख से बुलाती है कि आ जाओ अभी खाना। अब उसको रहा नहीं जा रहा है, बस खाना आने ही वाला है थोड़ी ही देर में। हम लोगों की गप्पे शप्पे एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। आजकल का वेदर बहुत अच्छा है, खाना आ गया है, और ये है टर्की स्पेशल ब्रेड, उसके साथ एक स्प्रेड है और थोड़ा सा ऑलिव्स है, और यहाँ पे एक सलाद है, ये किससे बनता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो इनके लिए कबाब है, और ये है मोरक्कन टी, और यहाँ पे हम लोगों के लिए चिकन का एक डिश है जिसके ऊपर मशरूम का सॉस है। तो इन मशरूम नहीं खाता, तो ये मैं और मम्मी खा रहे हैं। और खाने के बाद आ गया है ये बकलावा, बकलावा जो टर्की स्वीट होता है, और आइसक्रीम के साथ। ये स्वीट बहुत अच्छा होता है, अगर कोई किसी ने ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करना बनता है, ये बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर पूरा ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ होता है। और खाने के बाद अमायरा खेलने लग गई, ऑफ कोर्स इतना खुला हुआ जगह मिलेगा तो वो घर थोड़ी ना जाएगी, अब भागो इसको ही पीछे, सब कोई हम लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। एक चीज अच्छा हुआ कि खाने के बाद खाना हजम भी हो जाएगा अमायरा के चलते। आजकल शाम को वेदर फिर भी अच्छा है, हम लोग निकल पा रहे हैं 1-2 हफ्ते के बाद, और फिर से शाम को भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा। हाँ शाम को फिर भी निकलेंगे जरूर। मम्मी और मैं शाम को ऐसे टहलने के लिए निकलते हैं तो काफी अच्छा लगता है, मतलब हम लोग 5-6 बजे के करीब निकलते हैं, कभी कभी यहीं पे टहलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये जगह। और यहाँ देखो पार्क में ये जिम टाइप का कुछ मशीन्स लगा हुआ है, अभी तो बच्चे कर रहे हैं, ज्यादातर बड़े लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे पार्क्स में मैंने ऐसा देखा है कि जिम टाइप का लगा हुआ रहता है कोई कोई मशीन्स। और यहाँ पे आप लोगों को रेस्टोरेंट्स में दिखाती हूँ, यहाँ पे पर्शी रेस्टोरेंट, इसके बाद है टैंजरीन जो है थाई रेस्टोरेंट, इसके बाद है ओतांतिक जो है टर्किश रेस्टोरेंट जिसमें हम लोग खाना खाए। और इसके आगे पीछे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इस लाइन पे। तो चलो अमायरा के पीछे मैं भागती हूँ। वो एक न्यूज आप लोगों से शेयर करना था, वो है अमायरा को मैं नर्सरी में डाल रही हूँ। हमारे बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ब्रिटिश नर्सरी है, मैं उसी में डालूंगी, क्योंकि अभी गर्मियां बहुत ज्यादा हो गया है, तो अमायरा को मैं लेके बाहर कहीं जाना नहीं चाहती क्योंकि उसको गर्मी लग जाएगा। और नर्सरी में डालना जरूरी हो गया है क्योंकि सारे आसपास के बच्चे उसके एज के नर्सरी में जाते हैं, अभी 3-4 महीने पहले से ही जाते हैं उसके एज के, तो मुझे भी डालना है। और तुहिन के मम्मी पापा भी बोल रहे हैं अभी टाइम हो गया है डाल दो, अभी इतना ज्यादा फीस है ना, अभी 3 महीने के लिए डालूंगी तो उसमें ही 15,000 दिरहम बोले हैं ये लोग, तो जो इंडियन मनी में 3.5 लाख रुपए का आता है। तो ऐसे दूर से देखने से लगता है कि भाई यार दुबई में रहते हैं मजे है ये लोग के, बहुत कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जितना लोग कमाते हैं ना उससे ज्यादा, उससे दुगना खर्चा होता है, यहाँ पे पागलों जैसे खर्चे। और एक बच्चा हो गया ना उसके तो बाप रे बाप, पढ़ाई के इतने खर्चे है और हजारों एक्टिविटीज, पता नहीं लोगों को पता है जर्नल फीस भी ले रहे हैं। मेरे बच्चे को मम्मी पापा ठीक से बोलना नहीं आता, जर्नल फीस क्या। अब थोड़ा और भी मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करके अब सब लोगों के साथ शेयर करूंगी कि स्कूलिंग कैसा होता है, नर्सरी कैसा होता है, क्या है, और फीस का स्ट्रक्चर जो मुझे दिया गया है वो भी मैं शेयर करूंगी। हाँ नाम वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगी, बाकी मैं मुझसे जितना हो पाएगा मैं शेयर करूंगी। तो
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मजे से रहिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी आगे के वीडियोस के लिए। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। बाय बाय।